रुक कर लेते हैं तुला राशि का, जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा, ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। आज जहां आप काम करते हैं वहां आपके काम की प्रशंसा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। परिवार के सभी लोग आज आपके मन का सम्मान करेंगे और आपके अनुरूप कार्य करने की कोशिश करेंगे। नौकरी में आपको अच्छा पद भी प्राप्त हो सकता है और आपके वेतन में भी वृद्धि हो सकती है। आज आपको चाहिए कि ओम संग सनश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आप एक माला जप अवश्य कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। अष्ट सिद्धि का वरदान पाने के लिए हनुमान जी की हमें कैसे आराधना करनी चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नौ निधियों को देने वाले हैं। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने माता जानकी के प्रति यह बात लंका में कही है। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। जगत जननी जगदम्बा सीता ने हनुमान जी को यह विशेष आशीर्वाद दे करके और हनुमान जी के रूप बल गुण में चार चांद लगा दिया। हनुमान जी का ध्यान ओम श्रीमते नमः, इस तरह से हनुमान जी का जो लोग ध्यान करते हैं और ओम श्रीमते नमः इस मंत्र का जप करते हैं, उनको समृद्धि वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हनुमान जी आठों सिद्धियां और नौ निधियों की प्राप्ति करने के बाद इस सामर्थ्य में हो गए हैं कि ये अपने भक्तों को सिद्धि और निधि ये आराम से प्राप्त करवा सकते हैं, इसलिए हनुमान जी की उपासना से कुछ भी असंभव नहीं है। बढ़ते इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों की मेहनत रंग लाएगी। आज आप जिस भी काम में निष्ठा के साथ लगेंगे वहाँ आपको सफलता जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार पूर्ण रूपेण दिखाई देगा, आज आप प्रसन्न भी रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। मित्रों का और भाइयों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि आप राहु का उपाय जरूर करें, ओम रांग राहवे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति हो, अगर आप चाहते हैं सौभाग्य का आशीर्वाद पाना, तो ऐसे में महावीर का आपको कैसे ध्यान करना है जिससे कि घर में सुख समृद्धि और शांति का वास हो, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। हनुमान जी का भक्ति संयम और शांति देने वाली है। यम नियम संयम, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के आठ अंग बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य एक प्रमुख अंग है और हनुमान जी ब्रह्मचर्य के ही स्वरूप हैं। ओम शांताय नमः। हनुमान जी की ब्रह्मचर्य मुद्रा में ध्यान करते हुए ओम शांताय नमः इस मंत्र का जप करने से ध्यान, शांति, सुख, हर प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त होती है, कलह से छुटकारा मिलता है और जीवन निश्चित रूप से धन्य हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बढ़ते इसी के साथ धनुराशि की ओर, जानते हैं सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जो जातक हैं इनकी किस्मत निश्चित रूप से साथ देगी। आमदनी बढ़ने के भी संयोग बने हुए हैं। आज प्रतियोगी परीक्षा में आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। हाँ, हो सकता है कि आज 4 बजे शाम के बाद कार्य की अधिकता के कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आए। आपको चाहिए कि तुलसी का पत्ता का कढ़ा बना करके उसका आज आप सेवन करें और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें, इससे आप स्वस्थ रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आप और हम सभी यही चाहते हैं कि हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले, आप भी चाहते हैं ना अच्छा स्वास्थ्य पाना, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि लंबे जीवन की कामना करते होंगे। ऐसे में हनुमान जी की किस नाम मंत्र की आपको आराधना करनी है, किस नाम मंत्र का जाप करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। हनुमान जी अजर अमर हैं, ना हनुमान जी कभी बूढ़े हो सकते हैं और ना हनुमान जी कभी धरती पर से समाप्त हो सकते हैं। अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करहु बहुत रघुनायक छोहूं। अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करहु बहुत रघुनायक छोहूं। ये भी माता जानकी का ही आशीर्वाद है। तो हनुमान जी अजर अमर हैं। ऐसे में हनुमान जी के चिरंजीवी स्वरूप का जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त होता है। ओम चिरंजीविने नमः।
यदि आपकी जन्म कुंडली में अकाल मृत्यु का भय है और आपकी जन्म कुंडली में अल्पायु योग है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि हनुमान जी की पूजा करके ओम चिरंजीविने नमः इस मंत्र का जप करने से स्वस्थ और लंबे जीवन की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से अल्पायु योग भी समाप्त होकर के दीर्घायु योग में परिवर्तित होता है। आइए अब इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं गंगानगर राजस्थान के रहने वाले सुरेंद्र सिंह। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है, आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? सुरेंद्र जी का जन्म 11 मई 1977 को 2:30 बजे रात में सूरतगढ़ राजस्थान में हुआ। सुरेंद्र जी आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है बेटा, और कुंभ राशि भी आपकी है। कुंभ लग्न का स्वामी शनि आपके जन्म कुंडली में रोग स्थान छठे भाव में बैठा हुआ है, और आपके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र उच्च का होकर के आपके धन के स्थान में विराजमान है मंगल के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो जीविका भावेश है मंगल, वो भी शुक्र के साथ द्वितीय भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपके कारोबार में वर्तमान समय में जो शनि में शनि का अंतर चल रहा है, बेस की दशा चल रही है, इसमें आपके कारोबार में थोड़ी सी कठिनाई आ रही है। ये दिक्कत 2 नवंबर 2014 तक रह सकती है, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति का भी आपके जीवन में इस समय विवाद चल रहा है, ये पैतृक संपत्ति का विवाद आपके अप्रैल 2014 के बाद समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। और जहां तक मकान का प्रश्न है, तो बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में है, यदि आप अपने पत्नी माता पिता के नाम से मकान बनाना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको अपने नाम से मकान बनाने में सफलता नहीं मिलेगी। और धन संचय हो आपके पास, इसके लिए श्री सूक्त का पाठ कीजिए, श्री यंत्र की उपासना करिए, आपका कल्याण होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। विद्यार्थी अगर आप हैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार है कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आपके बच्चे संघर्ष कर रहे हैं अपनी जीविका के लिए, तो यह भी एक शुभ समाचार आपको है कि आज बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां समाप्त होंगी। यदि आप नौकरी करते हैं और अपने नौकरी से संतुष्ट नहीं है, तो आज के बाद ऐसा वातावरण बनने जा रहा है कि जब आप अपने नौकरी से संतुष्ट हो पाएंगे। आपको चाहिए कि आप शनि देव की उपासना जरूर करें, ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप जरूर करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का भी स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। आज आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। आज जरा सा भी नकारात्मक विचार को अपने मन में आप ना आने दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आज आपकी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ेगी, आज आपको अधिक से अधिक जिम्मेदारी के काम मिलेंगे, इसलिए आप पूरे धैर्य के साथ अपने जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करें। विदेश यात्रा में आपकी यदि कोई आ रही रुकावट है तो वो भी समाप्त होगी और आपको विदेश जाने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि कम से कम 5 किलो चावल किसी गरीब व्यक्ति को दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसिस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज, पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जो जातक हैं, उनका स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। अगर आज आप कोई यात्रा कारोबार के संदर्भ में कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि सुनिश्चित रूप से आपको लाभ मिलके ही रहेगा। आपके पिता का भी सहयोग आपके साथ आज होगा और बच्चों की आपके उन्नति होगी। आज आपको चाहिए कि गाय को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आप चाहते हैं सभी देवताओं की कृपा पाना, तो ऐसे में आपको रुद्रावतार हनुमान जी की आराधना कैसे करनी है, कैसे उन्हें प्रसन्न करना है, आइए जानते हैं, पंडित जी बताइए। हनुमान जी प्रभु श्री राम के दूत हैं, प्रभु श्री राम के मुख्य भक्त हैं। हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का ध्यान करिए। देव कृपा पाने के लिए ओम राम दूताय नमः
इस मंत्र का जप करिए। इस मंत्र से हनुमान जी का ध्यान करने से सारे देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है यदि जादू टोना टोटका या किसी प्रकार का वास्तु दोष आपके घर में हो या किसी प्रकार की बाधा से आप परेशान हो और आपने सारा उपाय कर लिया हो और कोई कामयाबी आपको न मिली हो, तो आप हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप को अपने घर में साउथ फेसिंग दक्षिण की तरफ मुंह करके स्थापित करके यदि आप पूजा करते हैं और ओम राम दूताय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो सारी परेशानियां चुटकी बजाते दूर हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जयपुर से एक दर्शक जुड़ गई है, प्रवीणा जी स्वागत है आपका। प्रवीणा जी अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए। प्रवीणा जी अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मैं अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहती हूँ। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा, बंद कर। हेलो, मैं अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहती हूँ। आप पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? मेरे पिताजी का नाम अंशराज जी पुरोहित है जी। जन्म तारीख अब आप प्रश्न भी पूछिए। आप यदि यूं ही टीवी सुनती रहेंगे तो आप नहीं सुन पाएंगे जी। जल्दी से सवाल बोलिए। आप नहीं मानते हैं और नहीं मानने की वजह से ऐसे ही होता है। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राजीव जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर सवाल करें। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम राजीव कुमार वाजपेयी है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1973। जन्म स्थान है हरदोई उत्तर प्रदेश। मैं पिछले एक साल से काफी प्रॉब्लम हूँ। मेरी कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा था उसमें मुझे 9 महीने से सैलरी नहीं मिली है और इस समय मुझे उन्होंने टर्मिनेट भी कर दिया, नए जॉब के ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया है, एक तो आपके ऊपर 7.5 चल रही है, दूसरी बात आपको बताऊं कि राहु और शनि दोनों ग्रहों का इस समय तुला राशि में संक्रमण जो है और नीच का सूर्य होना इस बात का संकेत करता है कि मेहनत का परिणाम नहीं मिलता है और हर प्रकार के डिप्रेशन की स्थिति बनती है। आपको चाहिए कि आपके जीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है, आप दूध में थोड़ा सा जल मिला करके सफेद फूल हल्दी मिला करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए, आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।